अब मूड फ्रेश हुआ? नहीं, कभी का फोटो आया। मैं 300 सीढ़ी में ही थक गई, मैं अभी भी चढ़ सकती। दो मत दो मत दो मत दो मत, गरीब के नाम पैसा नहीं करते। हे गाइस, अभी बज रहे मॉर्निंग के साथ और दादर में बहुत बारिश है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं जीवदानी माता के मंदिर जो कि स्थापित है विरार में। सो गाइस, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, विरार में जीवदानी माता का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत उनकी मान्यता है कि जो विश मांगते तो ज़रूर पूरा होता है। तो गाइस, मैं एक इंसिडेंट बता दूं, हमारे साथ परसों ये हुआ था कि हमसे हमारा कैमरा गुम हो गया था। तो हम लोग ने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत विश मांगा, तो फाइनली हमें मिल गया। हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग माता के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो मैं दादर से आ चुकी हूँ और गाइस, मैं आपको बता दूँ, किशन का जब घर का इशू चल रहा था तो मैंने एक विश मांगा था कि जैसे ही उसका विश पूरा होगा उनका घर उनको मिल जाएगा तो मैं उनके वहाँ पर दर्शन करने आऊँगी। और मैंने विश ये मांगा था कि मैं एक छत्तर रहता है जो कि देवी को चढ़ाते, तो मैंने एक छत्तर माना था, तो मैंने वो ले लिया है। तो अभी मैं किशन के घर पे पहुंच गई हूँ, तो मैं चलती हूँ किशन के घर पे, देखते वो लोग रेडी हुए हैं कि नहीं अभी तक। तो चलो देखना गाइस, अभी तक रेडी नहीं हुए होंगे वो लोग, देखते हैं। डर गई बहन, डर गई बहन, डर डर गई ना। क्या हालत है यार ये? यस यस, आई एम कमिंग। नो कमिंग, इधर देख तू, इधर अभी तक नहाया भी नहीं यार किशन, क्या हरकत है आंटी। चलो फ्रेश है फिर भी, मेरा मीटिंग था यार, सॉरी। दिख रहा है मेरे को तेरा मीटिंग, इसको देखो अभी तक नींद नहीं उड़ रहा है। उठो जल्दी यार, लेट हो रहा है। नेहा ये क्या है यार, तेरे को फालतूगिरी पसंद नहीं है? खुद अभी सो, पहले खुद अभी उठे। 12 बज रहे किशन, 11 बज रहे, 12 बज रहे मेरे लिए, 12 बज रहे। तू इतना सोया, उसका एक घंटा मैंने और पकड़ा। मैं एक्चुअली मौज से मेरा मीटिंग था रात को, क्यों मालूम है? अच्छा, 2 बजे 5 बजे रुको बताता हूँ क्यों। अच्छा रात को मीटिंग था भैया? इसलिए ज्यादा मत बोलो। इसलिए कितने बजे मीटिंग था वो बताओ मुझे। नहीं दीदी, इसलिए अब मूड फ्रेश हुआ। कवि का फोटो आया, तू तू मैं और क्या है गाइस, हैशटैग मोस्ट पे ट्रेंडिंग है हमारा, हैशटैग तू तू मैं, हैशटैग मोस्ट कॉमेडी यूनिवर्स। इस पे आप वीडियोस बना के 1.5 लाख तक का इनाम जीत सकते हो। ये पिछले साल बहुत लोगों ने जीता। ये सो गाइस, मैं बता दूं, आप लोगों ने हमारा वो देखा होगा जहाँ पे रेमो सर ने हमें जज किया था, तो वो टाइम पे हम लोग पार्टिसिपेट किया था। बट इस टाइम हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जज करने वाले, लाइक हमारे जैसे कॉमेडियन, तो उनको हम लोग गाइड भी करेंगे और जज भी करेंगे। ये सो गाइस, फाइनली 1-2 घंटे तैयार होने के बाद हम लोग जा रहे जीवदानी के लिए रेडी। और मैं कितनी क्यूट दिख रही हूँ ना। लेट किसने किया? किशन ने, किशन की वजह से हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। हम लोग ने सोचा था मॉर्निंग में चढ़ेंगे ताकि रिलैक्स होके चढ़ पाएंगे। अभी देखो धूप देख रहे हो, इतनी धूप में हमें चढ़वाएगा ये बंदा, इसके वजह से हमें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हम लोग पहुँच गए मंदिर और हमारे साथ एक सेलिब्रिटी आया है। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी आया है जो कि मास्क लगा के आया हुआ है ताकि लोग उनको पहचाने नहीं। सो गाइस, हम लोग ये मंदिर यहाँ तक चढ़ने वाले। ए मस्ती नहीं, अभी हम लोग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टोटल 1500 सीढ़ियाँ है, तो मैं आपको बीच बीच में ब्लॉग में भी दिखाऊंगी कैसे हम लोग शुरुआत कर दिया दर्शन के। सो गाइस, आप ऊपर भी चप्पल निकाल सकते हो और बिना चप्पल के चढ़ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ से चप्पल उतार के जाएंगे। सकते हो, मोटे मोटे लोग थक गए, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे में स्टैमिना है, स्टैमिना बढ़ाओ। नेहा 300 सीढ़ी में ही थक गई, मैं अभी भी चढ़ सकती हूँ। ये देखो
इसके लिए और खाओ बर्गर पिज्जा। आया करो टेंपल, तुम लोग थक जाते हो, मत आया करो। देखता हूँ कितना काम करती है। ये देखो 12 बजे सो के उठती है और ये तो 1 बजे। देखो फटाफट जा, 570 मतलब आधा चढ़ चुके हैं ना अपन। अभी आधा से ज्यादा चढ़ना है, 1500 सीढ़ी है, 1000 अभी और 1000 चढ़ना है। देखो फटाफट इसलिए जा रहे हैं ताकि फिर उसको पीछे पीछे रहे तो आगे देखो आराम कर सके। अब जाके खड़ा हो जाएगा, फिर हम लोग पहुंचेंगे। गाइस चलो थक थोड़ी ना आऊं, चलो। गाइस मोटे लोगों का हालत खराब हो गया। देखो कोई भी गम नहीं है हम लोग के फेस पे। हाँ हाँ 700 सीढ़ी चढ़ गए होगा ना अपन। अभी नींबू पानी पीते थोड़ा सा तो एनर्जी आएगी। वो अपने सामने स्ट्रांग बन रहा है, फिर घर पे जाके फूस हो जाएगा। मम्मी है ना गाइस, 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको एक नींबू पानी वाली आंटी भी मिलेगी, तो आप नींबू पानी पीकर अपना सफ़र वापस स्टार्ट कर सकते हो। यही बस टफ है ना थोड़ा सा। अभी हम लोग 60 नंबर पे पहुँचे, 1 नंबर तक पहुँचना है। गाइस सोचो आपको प्यार देना चाहिए, हम लोग आपके लिए चढ़ भी रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं। देखो 1030 सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम लोग, दिख रहा है गाइस। अभी और 500 सीढ़ी चढ़ना है। कोमल का हालत ख़राब हो गया, फिर भी हम लोग ने एनर्जी लाने के लिए थोड़ा सा नींबू पानी पिया था। गाइस हमें बुरा तो लग रहा है इनको मना करने में, पर ऊपर भी है ना थोड़ा, तो हम लोग ने सोचा ऊपर से लेते हैं, इसीलिए इन लोग को मना कर रहे हैं। बुरा लग रहा है थोड़ा, नहीं ऊपर नहीं भैया, देंगे बहुत ज़्यादा फोर्स करते लेने के लिए। गाइस हम लोग 3 नंबर से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमेशा हम लोग वहाँ से ही लेते हैं, इसीलिए हम लोग वहीं से लेंगे इस बार भी। चले प्रसाद ले लिया, अभी मेन पूजा करते हैं। चलो 1230 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, कल ये पूरा भरा रहेगा। क्यों कल भरा रहेगा? क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट हो गए। देवी जय देवी शिवदानी माता, जिया चरणी शिरंग माता। गाइस शुरुआत के ब्लॉग में मैंने बोला था कि माता को चढ़ाने के लिए मैंने छत्तर लिया, तो ये चढ़ाऊंगी मैं। गाइस बोलते हैं यहाँ पे जो विश मांगो और सिक्का ऐसे चिपकाओगे तो आपका विश पूरा होता है। चला कोई फोटो काल भैरव मंदिर। वेब सीरीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वेब सीरीज बता रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप ये रहेगा। अब ये मूवी बताएगी। वेब सीरीज। बोरांडा देवी ना। ओम नमः शिवाय। ओम विरार दिख रहा है तुम्हारा पूरा, विरार नाला सुपारा। बहुत चटके लग गए बहुत। हाँ अरे नाक पे गिरा, शुभ रहता है आपको लगाओ। गाइस आप लोग को भूख भीख लगे तो यहाँ पे वड़ा पाव भी मिलता है। फिर मैंने यहाँ से माता का प्रसाद भी लिया। वड़ा पाव वाले इतना जल्दी बैठ गए।
कैमरा खराब वो पीछे से वाह बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये मंदिर का टॉप है ना। वाह गाइस ये जो मेहंदी वाले रहते हैं ना इनसे थोड़ा बच के रहना क्योंकि ये लोग थोड़ा ना फंसाने का काम करते हैं। शुरू में कुछ और बोलते हैं और फिर बहुत एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। ये हर बार करते हैं लोग ऐसा। कितना बोला था आपको? मैंने कुछ भी नहीं बोला, दो रुपया बोले। नहीं नहीं डिजाइन के साथ अभी 60 रुपया। दो मत जल रहा है। एक सेकंड भाई आप दीदी 2 रुपया बोलते हो ना, क्यों फिर इतना लगा रहे हो? 2-2 रुपए में बोल रहे हो तो पूरा जल रहा है। ऐसा नहीं लगा, नहीं ये खराब रहता है सब कुछ। गरीब के नाम पे ऐसा नहीं करते। नहीं नीचे से शुरू हो जाता है। 2 रुपया और हाँ नहीं 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 लगाने का ऐसे लोगों से। हाँ फटाफट अपने आप ले अभी अपन सब बोलते नहीं ना तो आप लोग को बहुत पैसा लेती वो। गरीब बनते आ रहे भाई, यहाँ कौन अमीर है तब तक सब वही है। तो टेंशन मत लो, अमीर हो जाओगे बाबू। गाइस हमारे दर्शन हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। उतर रहे सीढ़ी उतर लिए, नीचे जा रहे हैं। नीचे 3 बजे तक प्रसाद मिलेगा तो वो खाएंगे फिर घर जाएंगे। चढ़ने में हमें हार्डली आधा घंटा लगा था और अभी उतरने में टाइम भी नहीं लग रहा है, देख सकते हो। उतर चुके हैं फिर भी हम लोग शूट करते करते उतर रहे हैं। तो गाइस डायनासोर उतर रहे हैं। यार डायनासोर, यार टुक 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 डायनासोर उतर रहे हैं। 1 घंटे में चढ़ गए थे ना किशन, और अभी उतरने में 5-10 मिनट भी नहीं हुआ है और पहुंचने वाले। देखो क्या हुआ, नया नहीं हो रहा है उतरने। बट अभी उतरने में मजा आ रहा है। फटाफट डांस नहीं कर रहे हैं। नहीं अभी देखो नीचे कर रहे हैं। ले लो ये कितने का है? 100 रुपया पाव किलो। ये पाव किलो है पूरा? हाँ। चलो कौन सा मंकी? इधर नहीं है मंकी। चल 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 चल। अरे नकली नोट है, चल असली डालो फिर लेती हूँ। हाथी लोग हाथी मांग रहे। गाइस आप लोग बताओ हम तीनों में से स्लीप कौन है? ऑफ कोर्स मैं यार। कमेंट में बोल सकते हो कविता सोलंकी, कमेंट में बोल सकते हो छोटा हाथी। नहीं मोटा हाथी। मोटा छोटा हाथी तो मैं हूँ, स्लीम हाथी हूँ मैं। और मैं हूँ स्लीम भैया। दीदी मेरे को मंकी चाहिए अभी। क्या उसके सामने नहीं, जब मंकी आएगा तब मैं बोलूंगी। मंकी नहीं और क्या चाहिए था मंकी के अलावा? मंकी के अलावा मेरे को छोटा सा हाथी चाहिए था। अरे तू खुद इतनी बड़ी हाथी तो हाथी की क्या जरूरत। देखते हैं सबसे पहले किशन के पास कौन पहुंचता है। ये अपन 15 मिनट में नीचे आ गए। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस दर्शन अच्छे से हो गए और अभी हम लोग नीचे भी उतर गए। अभी हम जाएंगे प्रसाद खाने। चलो जल्दी बंद होने वाला है, काय दिख नहीं रहा मेरे को। चलो 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 ये जल्दी आने। सुबह 12 बजे से भंडारा स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे बंद हो जाता है, तो ये फाइनल कूपन था तो हम लोग ने कूपन ले लिया। थैंक यू। सो गाइस आप लोग यहाँ से प्रसाद भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ का प्रसाद होता है। हमें प्लेट मिल गया। यहाँ का खाना बहुत यम्मी होता है, आप देख सकते हो कितने लोग खाने आए। मैं आपको पीछे का रस दिखा दूँ। देखिए भैया हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रसाद खाने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग का हालत एकदम बिगड़ गया है। हालत पे मत जाओ।
दीदी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इनका देखो आईलाइनर पूरा चला गया है। 12 से 3 यहाँ पे प्रसाद का। अब तो कल से नवरात्रि है तो कल से और रश होगा, बहुत रश होगा। चलिए दर्शन हो गया माता का, सब ने कुछ ना कुछ मांगा है माता से। और यहाँ का कूपन प्राइस बस 15 रुपये पर पर्सन, बस ओनली 15 रुपीज। तो गाइस हम लोग ने पेट भर के खा लिया, अच्छे से दर्शन हो गए, अभी हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। तो ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।